सर जी थोड़ा ना हॉर्न बजा दीजिएगा यहीं से। हाँ सीधा जाना है ना हमने सीधा दिल्ली से 135 किलोमीटर दूर ये सुहाना और यहाँ की अरावल की पहाड़ियों तक हम आ गए हैं। सुमन माँ के साथ में यहीं इनका भोज होता है अक्सर कभी कभी, तो सुबह आना था तो सुबह में बंदर मिल जाते और यहाँ पर जो है इस समय एक बंदर अगर यहाँ होंगे तो यहाँ पानी कहाँ होगा। पानी तो देखिएगा ना यहाँ पर। अच्छा यहाँ है आसपास का एरिया का माना हुआ तालाब जहाँ से चर्म रोग का हाँ। सबसे बड़ा इलाज करता है वो पानी। अच्छा हाँ किसी को भी चर्म रोग होता है ना। आज काम बताइए काम क्या यही धर्मोड़ दूँ। हाँ हाँ अभी हम जंगल में जाइए किसके पास है? जंगल है सारा ये तेंदुओं का एरिया है। कौन बजाता है? एक साल पहले यहीं पे ही बाबा जी तेंदुआ मरा हुआ था। अच्छा तार पे लटकता हुआ। अच्छा तेंदुए भरे हुए हैं ना यहाँ पर जंगल आए थे तब रोटी खिलाने आए थे। वो जो तालाब है आगे है क्या? हाँ वो तालाब और उसमें है जंगल में। आज 16 तारीख है ना। काफी घना घोर जंगल है एक तरीके से। हाँ जंगल भाव है सारा है तेंदुए में यहीं से एरिया में। कोई हथियार भी तो रखना चाहिए ना ऐसा कोई दिन में नहीं अटैक करते। अच्छा अंधेरे में आते हैं अंधेरे में लेकिन वैसे गारंटी नहीं ले सकते हैं ये बात भी सही है। तो कुछ बनाया जा रहा है क्या? ये अभी बनना स्टार्ट हुआ है। हाँ तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये मैं तो उनको बोला था जो ये
मिट्टी है, अब पत्थर मिट्टी मिला के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ था, ऊपर ये पीछे जो हुआ है ना बाबा जी, या कुछ या कुछ काट के बंद है शायद। हाँ। गाड़ी ऊपर ही चढ़ा दी है सचिन, ऊपर वहाँ उमेश की खड़ी है ना गाड़ी। कहीं बदुई मिट्टी है, पत्थर मिली हुई। हाँ चेहरे में रख दिया, और चाहे महीन ले लो थोड़ा। ये रोटी बन रही है। अच्छा चलो भैया, चलो हाँ रोटी भी बन रही है। अब जो उनको कहा जाएगा वही तो करेंगे। हाँ भैया चलो भैया, पानी ले लिया। इसने जंगल के अंदर क्यों, इसने जंगल में ये घर कैसा बना? ये मंदिर है बाबा जी, वो शंकर भगवान का वहाँ। अच्छा ये है उमेश जी जिनसे बात कर रहे हैं। ये लड़का खिलाता है, ये लड़का खिलाता है। अच्छा ये आज यहीं के पास का बना था। एक दिन उस पे भी आता है, चैट में भी लाइव में चैट कर रहा है। अच्छा अच्छा जय हो। तो ये यहाँ बंदर अभी मिलते हैं या सुबह? बाबा हम जो खाना खिलाते हैं वो शाम को खिलाते हैं, दो हफ्ते से। शनिवार द्वार में छुट्टी रहती, दिन में खिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब शाम को खिलाते हैं 5 बजे बाद। अच्छा देखिए अगल बगल है बंदर, ताकि हम लोग अगर आए हैं तो खिला दें। बहन जी वहाँ पर मिले सबसे फिर बंद के पास गाँव में चले गए। तो ये गर्मी इतनी मर गया होगा, गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी यहाँ। हाँ अच्छा, ये वो मंदिर है और ये क्या है, ये क्या है? ये बनाने के लिए जैसे आते हैं ना यहाँ पर धर्मशाला टाइप का है। हाँ। बाहर से आते हैं अपना बना करके पूरी हलवा जो भी है चढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा यही बनाया और यही चढ़ा दिया। अच्छा अपने साथ ले आते हैं ना सामान बनाने बनाने का। हाँ। अच्छा ये रोटी बन रही कायदे से, और जो आपके यहाँ वहाँ बनता है ना वो अच्छा, ये क्या ये भी बंदर के लिए है? तो ये बंदर के लिए खाएंगे? बंदरों के लिए। अच्छा और वो रहे पकड़ना क्या अच्छा। अब इतनी कोई ये सब इनको पहचानते हैं। ये सुनिए इनके सामने पानी रखवाइए। ये पीता है सर। अच्छा तो खुला है? ये उनका बाबा जी का है। ये बाबा जी का है। बाबा जी का। अच्छा पूरे एकदम बुलडोजर हो रहे हैं। चना हुआ, चावल हुआ, ये सुमन माँ की ओर से। बताओ दिल्ली हरियाणा पंजाब में कहीं आप कोई दिखाओ, वही तो आप देखिए। हमको तो यही कहेंगे भाई काम देखो जगह जगह के जा करके, और काम देख करके तब इनकी मदद करो। अरे मंदिर मंदिर मंदिर, अरे सब बड़ा कौन सा मंदिर होगा भाई, जहाँ प्राणियों के पेट में भोजन जाए। कुत्ते की हम पूजा करते हैं, बंदर की हम पूजा करते हैं, हम मोर के देखो बच्चे वहाँ कहाँ जा रहे हैं। नहीं नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ।
ये देखिए डोनेट कार्ड के तरफ से जो सामान आया वो यहाँ भी सुमन माने सब एक भिजवाया कि इसे सब बना बना करके और चावल का बोरा ये सब कुछ यहाँ सुमन जी ने भेज दिया है। देखिए डोनेट कार्ड वालों, आपने हमको दिया, हमने सुमन जी को दिया, सुमन जी ने वहाँ भी इस्तेमाल करती हैं और यहाँ भी। सामने पहाड़ है, पहाड़ के किनारे सब काम है, आपने चूल्हे में सब बनता हुआ देखा। आंखें खोलो देखो, और इससे बड़ा कोई धर्म हो तो बताओ, तभी डोनेट कार्ड वालों का इतना मान जान है। तो इसको बढ़िया कहला दिया गया है। अच्छा, तभी इतना भंगा। अच्छा चलो भाई, काम में लग रहे, बिजी रहे, ध्यान मछलियों को भी डालते हैं। अच्छा अच्छा, मछलियां अभी तालाब दिखाते हैं बाबा जी। हाँ तो चलिए दिखाइए, चलते हैं, आइए। ये मोर आते हैं अपने आप क्या यहाँ? हाँ मोर हैं, सब तो सारे जानवर हैं। अच्छा, तेंदुआ है, मोर है, पशु पक्षी हैं, गाय है, सब कुछ है, शेर भी है। हाँ वही मैंने बोला, चीता शेर नहीं होते, वो चीते होते हैं, वैसे बिल्ली जैसे शेर नहीं है। शेर है यहाँ, नहीं टाइगर होगा, शेर नहीं होगा यहाँ, शेर गुजरात में है सिर्फ, यहाँ नहीं कहीं। अरे वो तेंदुआ भी शेर की जाति है मान लो, वो अटैक आदमी, वो शेर तो बाबा यहाँ लादे है, यहाँ वो भी दूसरा हिसाब होता है। अब यहाँ ये मंदिर, यहाँ सुमन जी ने ये सब व्यवस्था करवाई दिल्ली में रह के, इनको लोगों ने बताया, इन्होंने इस काम को यहाँ शुरू करवाया। मंदिर वही है जहाँ सेवा हो। ये गांव के जो लोग हैं ना, हाँ महाराज जी, महाराज सब करते, महाराज महाराज हाथ में रहता जो पैसे जोड़ते हैं ना, तो और बाहर के भी आते होंगे, चलते काम पे वैसे मिल जाता हो, है ना, बाहर के भी आते रहते होंगे। अच्छा बढ़िया, तस्वीर बना के दो बाबा, ये भी वीडियो तस्वीर इनको दिखा के साथ पहाड़ी में, इसमें बताते हैं गुफा भी है ना, मंदिर धरती के लिए बनी है उनका। जय इसके बनाने वाले मूर्तिकार कहाँ, हरियाणा से या दिल्ली से आए होंगे बाबा? वो यूपी से। यूपी से? हाँ, मूर्ति जो मूर्ति बनाई है यूपी से करवाई, यूपी से आया था, यूपी से। कुछ नाम जानते हैं उसका? उनका तो पता है, ये यहीं फरदाद में रहते हैं, फरदाद में रहते हैं वो। अच्छा, ये बनाई है ना, फरदाद में रहते हैं। नहीं वहाँ पर रहते हैं या कि वहाँ रायबरेली के? तो नहीं, एक वहाँ मूर्तिकार है रायबरेली में, वो भी ऐसे ही मूर्ति वगैरह बनाता है। यूपी में रहता है, यूपी को इन्होंने रखा है। अच्छा, ये पत्थर का रंग और यही ओरिजिनल रंग होता है। पूरा बेस बनाया है उसने, जिसने भी बनाया है ना, पूरा बेस आगे फिर से बनाएंगे। बच्चा बहुत वहाँ मत कूदो, फादो मालो कहीं गिर जाओ, या तो लोग पास में रहा करो। जैसे आप बताते हैं तेंदुआ है, मार लीजिए, वो दूर से अपना देख रहा है, अब देख रहा है, अब ये सब तेंदुओं के लिए बने बनाए शिकार हैं। एक सेकंड नहीं, यूँ पकड़ा देखे भागा, हम लोगों को एक बार पकड़ने में सोचेगा।
यहाँ बच्चों को जो है कभी लेके आइए, साथ में रखिए भाई, चादर जगली तो है, कब कौन आ जाए। आप यहीं रहते हैं क्या? अच्छा, तो यहाँ से हम लोग जो गांव से आए हैं वो गांव पास में होगा? वही तो है, 2 किलोमीटर दूर है, उन्हीं का तो गांव है। अच्छा, आप ही का वो गांव है। वो तालाब दिखाओ, पानी होगा तभी जानवर वहाँ टिकेगा। ये पत्थर का ओरिजिनल रंग है, ये रंग है पत्थर का, है ना, कहीं कहीं कुछ चमकदार, कहीं ऐसा कहीं ऐसा, पत्थर का रंग कहीं कत्थई कहीं वो असली रंग ही है। ये बलुई मिट्टी है, अब आइए थोड़ा दिखाइए, ऐसे दिखाइए और देख लीजिए कि चल रहा इधर आओ ऊपर। पहले आप इधर उतरो, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। नहीं, हम देख लेंगे आप।